अभी अभी जस्ट मेरी करंट अफेयर की क्लास ख़त्म हुई है, पूरा लेक्चर 1.5 घंटे का था जिससे मैं काफ़ी टाइम लगा, एंड अभी टाइम हो रहा है रात के 1 बज गए। आज मेरा सेकेंड डे है दिल्ली में और पहला व्लॉग है दिल्ली का। सो अभी मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है क्योंकि सुबह मुझे उठना है एंड काफ़ी चीज़ें देखनी है क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या है कैसे है। सो गुड नाइट गाइज। नेक्स्ट मॉर्निंग। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी मेरी आँख खुली है जस्ट, और अभी टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है क्योंकि रात सोने में लेट हो गया था क्योंकि अभी जस्ट शिफ्ट किया है तो नींद नहीं आई थी मुझे 1 बजे के बाद भी। आपने देखा है कि मेरा 1:30 बजे लेक्चर खत्म हो गया था, तो अभी रात का सेटअप ऐसे ही फैला पड़ा है। मुझे बस बहुत तेज नींद आ रही थी रात, तो मैंने यहीं पर छोड़ दी थी सारी चीज़ें। और अभी अगर मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो टाइम हो रहा है अभी 10:30, अराउंड 10:30 बज गए, और बहुत बहुत ज़्यादा लेट हूँ मैं आज, बट इट्स ओके। सो इट्स टाइम टू फ्रेशन अप। सो अब रूम की सफाई करनी है क्योंकि ये गंदा हो रहा था थोड़ा सा पहले से ही। मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई इतनी पसंद नहीं है, बट आज पहला दिन है स्टिल, तो कर लेते हैं थोड़ा साफ़ सफाई। मैंने अभी तक बैग तक नहीं लगाया हुआ है, जब से ही आया वैसे ही रखा है। और अभी मुझे साइड करनी है ये चेयर, क्योंकि ये साइड में रखी होती है, काफ़ी बड़ी सी है, तो मैंने बीच में रख ली थी फ़ैन के नीचे क्योंकि जब मैंने रात पढ़ाई की थी तो थोड़ा सा गर्मी लग रही थी। तो अभी इसको करते हैं साइड और अपना रूम थोड़ा सा क्लीन करते हैं। सो ये पोछा वगैरह जितनी भी यूज़फुल चीज़ें थी ना, वो मैंने कल खरीद ली थी कल शाम में जाके, और क्योंकि रूम बहुत गंदा था तो उसको साफ़ करना था, इसलिए पोछा खरीदना भी ज़रूरी था। अब करते हैं पोछा वगैरह सब कुछ, इस चीज़ में भी थोड़ा सा 5-10 मिनट लगी जाती है। नाउ इट्स टाइम टू क्लीन दिस बेड। वाओ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ओपन करते हैं हिस्ट्री की ये बुक जो मैंने ऑर्डर की थी मॉडर्न इंडिया की, एंड ये बुक मैक्राहिल पब्लिकेशन की है। तो ये काफ़ी फेमस पब्लिकेशन है, काफ़ी वेल नोन बुक्स इसकी आती हैं, फॉर एग्जाम्पल एम लक्ष्मीकांत, एंड दिस बुक इज़ रिटन बाय पूनम दलाल दाहिया मैम, जो एक बेस्ट ऑथर हैं एंड 2015 बैच की ऑफिसर हैं। इस बुक की अगर स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, रिविजन चार्ट्स, प्रॉपर फ्लो चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिंपल लेमन लैंग्वेजेस के साथ ये बुक आती है। आई हैव ऑर्डर्ड दिस बुक जस्ट बिकॉज ऑफ कलर्ड पेजेस एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज। टॉपर स्ट्रेटेजी देखने के बाद काफ़ी टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये बुक को सजेस्ट किया था, तो ये भी एक रीज़न है मेरे ये बुक परचेज करने का। काफ़ी अच्छे से बाइंड होके ये बुक आती है, एंड इस बुक में कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि अच्छे से सब कुछ गिवन है सीरीज़ में। और इसकी जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो है इसके साथ जो मैप्स आते हैं, तो पहले इन मैप्स को खोल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के 2 चार्ट आए हुए हैं। मुझे कुछ इसी टाइप के चार्ट चाहिए थे रिवीजन के लिए क्योंकि पूरी बुक दोबारा उठाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो अब यहाँ पर मेरे पास चार्ट है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी रिवीजन में। तो यहाँ पर 2 चार्ट हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जिसमें फुल मॉडर्न हिस्ट्री को कवर किया गया है, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स के हेल्प से काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पर इसको कंपाइल किया हुआ है। ये बुक मैंने कहाँ से ली है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट बुक, यू कैन गो विद दिस बुक। सो आफ्टर टेकिंग अ क्विक शावर आई एम बैक, एंड ये मैंने पानी की बॉटल भी नहीं बोल सकते इसको, पूरा बोतल है, 20 लीटर का ये बोतल है, और इसको मैंने लिया था सामने से ही, मतलब यहीं पे पास में मिल जाता है। और ये मैंने एक मटका ख़रीदा था क्योंकि यहाँ पर जहाँ मैंने रूम लिया वहाँ पर अभी फ्रिज की फैसिलिटी नहीं है, सो ये मटके में पानी बहुत अच्छा रहता है ठंडा ठंडा, तो ये मटका लिया था। अब ये पानी जो मैंने लिया है ये चल जाता है 7-8 दिन, तो चल जाएगा मतलब इतना लोग बोलते हैं, तो इसको डालते हैं, फिल करते हैं इस मटके में पानी को ताकि मैं ठंडा ठंडा पानी अवेलेबल रहे हर टाइम। आज का व्लॉग आपको स्टडी व्लॉग ना लग के एक टिपिकल घरेलू व्लॉग ज़्यादा लगेगा। और अब मैंने ये मटका भर लिया है अपना। वैसे मटके का पानी ना पीना चाहिए क्योंकि आरओ के पानी से जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं। सो नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम, चाय दे दो। यहाँ पे चाय पराठे वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो ऐसे करके मैंने अपना नाश्ता ले लिया सुबह सुबह जाके जल्दी, और अब निकालते हैं अपनी प्लेट वगैरह जो भी मैंने सामान घर से रखा था। अरे मैंने एक चीज़ नोटिस की यार, घर पे मतलब कुछ भी चीज़ें मैनेज नहीं करनी थी, सब ऐसी बढ़िया चल रहा था, अब यहाँ आके ना हर छोटी छोटी चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, इतना टाइम वेस्ट होता है ना। अब इसको देख लो, मतलब ब्रेकफास्ट में इतना टाइम लग रहा है, घर पर तो बस उठो
नहा धो के अपना मिल जाता था किचन में रखा हुआ। खैर अब कर ही क्या सकते हैं, तो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और अपने दिन की स्टार्टिंग करते हैं। सो सब कुछ फिनिश हो गया, अब करने मुझे बहुत जरूरी दो तीन काम। सबसे पहले मुझे जाना है लाइब्रेरी, उसके बाद मुझे जाना है ATM। सो जल्दी जल्दी चलते। सो वहां से मैंने ये फॉर्म ले लिया है और फी सबमिट करनी है फॉर्म फिल करने के बाद, तो जल्दी से फॉर्म को फिल करते हैं। 1, 2, 3, 4। तो जी फॉर्म वगैरह सब मैंने भर दिया, इसके साथ ही नहीं एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी और एक फोटो, और ये मैंने अभी से ज्वाइन कर लिया है। सो एक दो घंटा बैठ के वहां पे पढ़ाई करते हैं, और मैंने पानी की बॉटल ले जाना याद नहीं रहा था, तो अभी लेकर चलते हैं। अभी तक मुझे मेरा डेस्क नंबर अलॉट नहीं हुआ है, बट जल्दी से मिल जाएगा, तो ये पता नहीं किसकी डेस्क है। तो लाइब्रेरी की फ़ी सबमिट करनी थी, तो मुझे ATM आना पड़ा क्योंकि मेरे पास कैश बिल्कुल नहीं बचा था। तो यहाँ पर रोड क्रॉस करना सच में यार बहुत ज़्यादा बवाल चीज़ है भाई, तो मुझे पता नहीं कितने घंटे यहीं लग जाएंगे रोड पे, पता ही नहीं चल रहा है। सब लोग क्रॉस कर रहे हैं बट मेरे से क्रॉस भी नहीं हो रही है। तो जैसे तैसे करके मैंने रोड तो क्रॉस कर ली पता नहीं कितने घंटे बाद, और यहाँ पर ATM है तो अपना कैश निकालते हैं। तो जी फीस वगैरह मैंने सब सबमिट कर दी है, और अब जाना है मुझे एक बुक शॉप पे, बिल्कुल पास में है मेरे रूम के, और मुझे यहाँ पे लेनी है UPPCS की मॉक टेस्ट सीरीज़ की दो बुकलेट चाहिए अभी मुझे फ़िलहाल। तो यहाँ पर बाइलिंगुअल मिल जाती है, किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी, और एक मुझे लेनी है GS के लिए करंट अफेयर के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो। तो जी ये सामान भी ले लिया, और आज का पूरा दिन भाग दौड़ में ही चला जाएगा सारे ये इकट्ठे करने में चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने ये दो मॉक टेस्ट सीरीज़ ली है, फर्स्ट एंड सेकंड बायलिंगुअल, और इसके अलावा मैंने ये करंट अफेयर लिया ईयरली बेस्ड 2022 के लिए। इसमें 2021 से 22 तक के करंट अफेयर सारे हैं, PCS में बहुत ज़्यादा आते हैं चीज़ें। एक मैंने जेल पेन लिया है क्योंकि ग्रिप नहीं बन रही थी जो मेरे पास पुराने वाले पेन थे। सो इट्स टाइम टू 12:15, और अब वापस से चलते हैं लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में जाके आज अपने पूरे टास्क ख़त्म करने हैं मुझे, क्योंकि कल रात मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी। इसमें मैंने अप्रैल मंथ से जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल तक के सारे करंट अफेयर कर लिए थे, वीडियोज़ वगैरह लेक्चर देख के, वीडियो लेक्चर देख के, क्योंकि PCS में करंट अफेयर अलग तरीके के आते हैं। तो सारा सामान उठा लिया है, फिर वापस बार बार आया नहीं जाता, तो एक बार मैंने अच्छे से पूरा सामान देख के सारा उठा लिया, और अब चलते हैं लाइब्रेरी। सो हियर इन द लाइब्रेरी आई एम रीडिंग करंट अफेयर नोट्स जो मैंने खुद से प्रिपेयर किए थे, क्योंकि खुद से जब हम नोट्स बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होती है। इसके अलावा मैंने एक बुक भी लिया जो अभी आपने देखी भी थी, तो दोनों से कर लेंगे ताकि बिल जो करंट अफेयर आए पेपर में वो मुझसे मिस ना हो। सो अभी मेरे पास आज का जो टारगेट है जनवरी फेब मार्च एंड अप्रैल के करंट अफेयर करने, तो अभी मैंने पहले थ्री मंथ के कर लिए कंप्लीट, और अब करते हैं फाइनल मंथ का करंट अफेयर। 1 hour later। सो लाइब्रेरी में बिल्कुल भी डिस्ट्रेक्शन नहीं हो रही है, सो मेरे जल्दी से अपना कंप्लीट हो गया ये वाला टास्क। सो इट्स लंच टाइम, मुझे नीचे से लंच लेके अपने रूम पे जाना है। मेरी लाइब्रेरी में नीचे ही मैसेज जहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करना होता है कि आप कब लंच ले रहे हो, तो उसके बारे में लिख दो, और कब डिनर ले रहे हो, तो वो लंच करने के बाद मैंने अपना लंच ले लिया, और फाइनल चलते हैं अपने रूम की साइड। तो लंच में है दाल चावल और ये मिक्स वेज और चपातीज, सो प्रॉपर लंच है विद फुल ऑफ प्रोटीन। सो अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 2:35, और मैंने अपना लंच कर लिया, अब चलते हैं वापस से लाइब्रेरी, क्योंकि काफ़ी सारे टास्क अभी भी रह गए हैं वो कंप्लीट करते हैं। आईपैड को लगाते हैं चार्जिंग पे क्योंकि आके मुझे इससे क्लास लेनी है, फिर ये डाउन पड़ा था तो इसको पहले चार्ज करते हैं। जल्दी से अपनी वाटर बॉटल फिल करते हैं और निकलते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी में बैठ के मैंने काफ़ी सारे टॉपिक किए सेम बुक से जो मैंने सुबह परचेज की थी, जिसमें इंडिया के क्या क्या टारगेट्स हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स थे। उसके बाद मुझे बहुत तेज थकान होने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चाय ले लूँ। फिर हम वही चाय की दुकान पर आए, मैंने भैया से चाय ली। यहाँ पे मैंने लिया है छोटा सा एक टी ब्रेक, और मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आज काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक डे था। सो अभी अपनी चाय रेडी है, दो दिन से मैंने चाय नहीं ली थी, और सच में सर में दर्द हो रहा था, तो आज चाय ले ली। और इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी, पर सोना भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लूँ, क्योंकि म्यूज़िक से ना क्या होता है माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और कंसंट्रेशन बढ़ती है। मुझे ऐसा लगता है मेरी कंसंट्रेशन बढ़ती है, वरना दिमाग इधर उधर घूमता है। सो मैंने डिसाइड किया थोड़ा सा म्यूज़िक एंड चिल करने का। सो यार आई एम
लिसनिंग क्लोजर सॉन्ग। सो फन एंड चिल टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब बज रहे हैं 4:50 होने वाले हैं, तो अभी मुझे जाना है 10:30 तक लाइब्रेरी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।